जैमरे आ गई हैं। कैसी हैं आप जावेद आंटी? मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। चलो वहाँ बैठते हैं। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए भी मत लाना। हाँ अब बताओ जैमरे डिया, तुमने अपना काम कर लिया ना? जी हो गया काम। देखें निकास से सिर्फ 2 दिन पहले की तारीख दिलवाई है मैंने। वाकई कमाल कर दिया तुमने, ओरिजिनल है बिल्कुल, किसी का बाप नहीं पकड़ सकता हमने डेट चेंज की है। वो एक्सपर्ट है इस काम में। अब इसके बाद आपका काम शुरू होता है जावेद आंटी। आमिर कहाँ है? मिशाल को घुमाने ले गए हैं। क्या रियान भी गई है साथ? हैप्पी कपल की तरह गए हैं, बताएं मुझे। अरे जैमरे डियर, बच्ची जिद कर रही थी, अब तो आने वाले होंगे। जितनी जल्दी हो सके ये पेपर्स देख ले वो, बस ये चैप्टर क्लोज हो जाए, और हिम्मत नहीं है मुझमें। हाँ बोलो जैमरे। आमिर क्या हो रहा है, कैसे हो? ठीक हूँ मैं जैमरे, तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे घर हूँ। अच्छा मुझे पता नहीं था कि तुम आओगी। इरादा तो नहीं था मेरा आने का, लेकिन यहीं से गुजर रही थी, सोचा तुम लोगों से मिलती जाऊं। जावेदा आंटी से पता चला मिशाल यहाँ आई हुई है। अम्मी ने बताया था मुझे कि मिशाल बोलने लगी है अब, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली उससे मिलने की। आज उससे मिलके ही जाऊंगी मैं, बहुत दिनों से मिशाल को देखा नहीं है मैंने। कब तक वापस आओगे पार्क से? हम लोग थक गए थे, बस थोड़ा आराम करने के लिए आए। मॉम कैसी है? जावेदा आंटी कह रही है कि ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही। चलो मैं वापस आता हूँ तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा चेकअप के लिए। ठीक है बस आ रहे हैं आप। आ रहा है आमिर। मुझे पता था, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को ऐसी जगह रख के आती हूँ जहाँ आमिर इन्हें देख ले। बहुत हो चुका, उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो और मेरे हो जाओ आमिर। गुड इवनिंग जैमरे। गुड इवनिंग। मॉम कैसी हैं आप, बेहतर हुई आपकी तबीयत? वैसी ही है, तुम फिक्र ना करो मैं ठीक हो जाऊंगी। मिशाल कहाँ है? हाथ मुंह धो रही है, मैं भी बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। लेट हो रही हूँ, मिशाल से मिलकर मैं भी चली जाऊंगी बस। जैसा तुम्हें बेहतर लगे बेटी। चलो ओके फिर, खुदा हाफिज जैमरे। खुदा हाफिज। आप मुझे बताती रहिएगा कि मामला कहाँ तक पहुँचा है जावेद आंटी। तुम फिक्र मत करो जैमरे, हमने जो बॉम्ब लगाया है वो जैसे ही फटेगा तुम्हें फौरन बताऊंगी, अपने प्लान में जरूर कामयाब होंगे। अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा मुझसे। खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। ये तौलिया तो भूली गई थी मैं, लॉन्ड्री में देखा इसे तो याद आ गए। आपने इतनी जहमत क्यों की आपा, मैं खुद आकर ले ली थी। जहमत कैसे रियान, तुम्हारी चीज थी ले आई मैं। और ये क्या है आपा? क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड मेरे लिए? हिकमत साहब ने तुम्हें देने को कहा है, तुम्हारी जो भी जरूरत और अखराजात हो इसके जरिए पूरी कर लेना। नहीं मलिक आपा, मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। इसमें कोई मसला नहीं है बेटी, रख लो इसे। नहीं ये मैं नहीं ले सकती हूँ आपा। अरे रियान क्यों नहीं ले सकती इसे, बुरी बात है ऐसे नहीं कहते, इसमें आखिर हर्जी क्या है? अगर तुमने ये नहीं लिया तो वो नाराज हो जाएंगे तुमसे। अगर मुझे इसकी जरूरत होती तो मैं ये रख लेती, लेकिन आप तो जानती हैं मुझे। देखो बेटी इसे रख लो, ये वापस नहीं कर सकती मैं।
नहीं रखना हो तो खुद वापस कर देना, मुझे डांट नहीं खाने। चलें ठीक है, मैं खुद वापस कर दूंगी उन्हें। मैलिकापा, तौलिये भूल गई थी, वो देने आई थी। शुक्रिया। विशाल कहाँ है? अंदर है, अपनी गुड़िया से खेल रही है वो। कितनी प्यारी बच्ची है ना वो। अच्छा शब्बा है, कुछ चाहिए तो नहीं तुम लोगों को? नहीं, बहुत शुक्रिया मैलिकापा। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। क्या आप ये मेरी तरफ से बाबा को वापस कर सकते हैं? क्या है ये? ये क्रेडिट कार्ड है, बाबा जान ने आपा के हाथ मेरे लिए भिजवाया था। अगर उन्होंने भिजवाया तो तुम क्यों नहीं ले रही इसे? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन ये उनका और तुम्हारा आपस का मामला है।